नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रजा सिंह। वक्त हो चुका है मॉर्निंग न्यूज का, तो चलिए नजर डाल लेते हैं आज की बड़ी और खास खबरों। शाजापुर के प्रखंड क्षेत्र में आज यानी 20 अगस्त से मतदाता सूची में सुधार को लेकर गृहवार सर्वे बीएलओ करेंगे। आपको बता दें कि विभाग से मिली जानकारी के अनुसार बीएलओ प्रखंड के हर घर जाकर वोटर कार्ड का सर्वे करेंगे। ये सर्वे 20 अगस्त से शुरू होकर 29 सितंबर तक चलेगा। नीट यूजी काउंसलिंग 2024 के लिए आज यानी 20 अगस्त से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आपको बता दें, यूपी नीट यूजी काउंसलिंग 2024 से जुड़े सभी लेटेस्ट अपडेट्स ऑफिशियल वेबसाइट upneet.gov.in पर चेक कर सकते हैं। प्रदेश के राजकीय और निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रवेश की अंतिम तिथि को बढ़ाकर आज यानी 20 अगस्त 2024 कर दिया गया है। आपको बता दें कि पहले यह तिथि 19 अगस्त 2024 थी, लेकिन रक्षाबंधन पर्व के कारण इसे एक दिन के लिए और बढ़ा दिया गया है। TMBU और उसकी इकाइयों में आज से कामकाज पूरी तरीके से ठप हो जाएगा। आपको बता दें कि कर्मचारी संघ ने अपनी 5 सूत्रीय मांग विश्वविद्यालय प्रशासन के समक्ष रखी थी, लेकिन उनकी मांगों पर अब तक किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इस कारण कर्मचारी आंदोलन पर जा रहे हैं। SSJ विश्वविद्यालय में विभिन्न कक्षाओं की परीक्षाएं जारी हैं। आज यानी 20 अगस्त को BA, BSc, BCom चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा होगी। आपको बता दें कि परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर मुकेश सामंत ने बताया कि हिंदी लिटरेचर, गणित और वनस्पति विज्ञान विषय की परीक्षा होगी। छात्र छात्राएं विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर परीक्षा की समय सारणी देख सकते हैं। ग्वालियर में परंपरागत और ऐतिहासिक चक्री मेले का आयोजन आज यानी 20 अगस्त को हजीरा स्थित बिरला नगर में लाइन नंबर 1 में होगा। आपको बता दें कि नगर निगम की ओर से दोपहर 3 बजे से होने वाले इस मेले में पारंपरिक लोक कलाओं का प्रदर्शन होगा। अजमेर में पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के जन्मदिन पर मनाए जाने वाले जश्न ईद मिलादुन्नबी के मौके पर दरगाह से निकाले जाने वाले जुलूस की तैयारियों को लेकर आज यानी 20 अगस्त को दरगाह में स्थित अकबरी मस्जिद में बैठक होगी। आज यानी 20 अगस्त को बांसवाड़ा जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के जयंती सद्भावना दिवस के रूप में मनाएंगे। आपको बता दें कि जिलाध्यक्ष रमेश पंड्या ने कहा कि सुबह 11 बजे समस्त कांग्रेस पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं की बैठक जिला कांग्रेस कमेटी भवन में होगी। बब्याल के दलीपगढ़ स्थित प्राचीन श्री गोगा मंदिर में आज छड़ियों का मेला लगाया जाएगा। आपको बता दें कि गद्दी पर विराजमान योगी शमशेरनाथ ने बताया कि 19 अगस्त यानी आज पूर्णिमा के दिन सुबह 9 बजे महाराज गोगा जी के निशान पर चढ़ाए जाएंगे। इस दिन एक बड़ा झंडा और कई छोटे झंडे चढ़ाए जाते हैं। निशानों की पूजा अर्चना आरती के साथ ही मेले की शुरुआत होगी। मौसम विभाग के अनुसार पटना सहित प्रदेश में आज से फिर मानसून के जोर पकड़ने के आसार हैं। इस कारण अधिकतर जगहों पर मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। वक्त हो चुका है इतिहास का, तो चलिए जानते हैं आज का दिन क्यों है कुछ खास। साल 1949 में आज के दिन यूरोपीय देश हंगरी में संविधान को अंगीकार किया गया था। साल 1955 में आज के दिन मोरक्को और अल्जीरिया में फ्रांस विरोधी दंगों में सैकड़ों लोग मारे गए थे। साल 1972 में आज के दिन तत्कालीन सोवियत रूस ने भूमिगत परमाणु परीक्षण किया। साल 1986 में आज के दिन भारत की महिला शतरंज खिलाड़ी तानिया सचदेव का जन्म हुआ था। साल 2014 में आज के दिन प्रसिद्ध भारतीय योग गुरु BKS आयंगर का निधन हुआ था। मॉर्निंग न्यूज में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।